नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। यूपी की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके कामों की वजह से दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकारा। वहीं यूपी को बेहतर बनाने के लिए सरकार की मंशा है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शुद्ध पानी, छत मुहैया हो सके। इसके लिए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक लगातार सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और खामियां मिलने पर उस अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर का जिला महिला चिकित्सालय लगातार विवादों में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था और पैसे न देने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर करने की बात कहकर हंगामा किया था। वहीं एक बार फिर अब सोशल मीडिया पर गोरखपुर का जिला महिला चिकित्सालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मरीज के रिश्तेदार एक महिला डॉक्टर को पैसे देते नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में महिला डॉक्टर पैसे की मांग कर रही है और कम पैसे देने पर इलाज से मना कर रही है। ये वो वीडियो है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दूसरी बार मरीज के रिश्तेदारों ने पैसे दे दिए। हालांकि इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद गोरखपुर का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। गोरखपुर जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक एनके श्रीवास्तव ने मामले का संज्ञान लिया। इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों और शासन को पत्र लिख दिया गया है। ऐसा उनका कहना है कि प्रेटिन डिस्टर डॉक्टर दोषी पाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि जहां सरकार गरीब तबके के लोगों को सरकारी अस्पतालों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वही इस तरह के डॉक्टर सरकार के मनसूबों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में संबंधित अधिकारी महिला डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी धानेश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धानेश, ये कोई पहला मामला नहीं है, एक बार फिर से वीडियो वायरल हुआ है और लगातार जो जिला अस्पताल बताया जा रहा है, महिला चिकित्सालय, वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले मनमाने तरीके से पैसे मांगे जाते हैं, हार कर जो रिश्तेदार हैं मरीज के वो पैसे दे भी देते हैं। कब तक चलेगा? मैं काजल आपको बता दूं कि लगातार जो है जिला महिला चिकित्सालय विवादों में रहता है और खासकर प्रसव के नाम पे जो धन उगाही की बात होती रहती है। यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग आते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी गरीब तबके के लिए जो है अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी और अच्छे शिक्षा के लिए बात करती, गरीब तबके को अच्छे स्वास्थ्य कम पैसों में अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी जो शिक्षा मिल सके उसके लिए सारा प्रबंध कर रही है। अधिकारियों को हमेशा दिशा निर्देश भी देते हैं कि कहीं से किसी तरह का कोई कसर ना रह जाए कि जो गरीबों तक हर चीज मुहैया ना हो पाए और सबसे लेके में। लेकिन वही देखा जाए तो जिला अस्पताल के उनके मातहत जो है जिला या गोरखपुर जिला अस्पताल में जो है यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग लेके अपने जो लेके वो आते हैं, जो मरीजों को लेके आते हैं, उनसे अच्छे धन की मांग की जाती है, पशुओं के नाम पे धन उगाही की जाती है और गरीब तबके लोग जो आते हैं, लोग यहाँ दूर दराज जाते हैं, मजबूरन उनको अपने जो सीएम सिटी में भी इस तरह के डॉक्टर गुरेज नहीं कर रहे हैं, तो आखिर बाकी जिलों का क्या हाल होगा? ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है। जी बिल्कुल, कहा जाए कि सीएम का जो है गृह जनपद कहा जाता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। यहाँ लोगों को जो कर्मचारियों में कोई तरीके का भय नहीं है, यहाँ पे भी धन उगाही की बात करते हैं कोई। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं, अस्पतालों में अवसर निरीक्षण कर रहे हैं कि हर अस्पताल में अवसर निरीक्षण कर रहे हैं, मरीजों से तीमारदारों से पूछते रहते हैं कि किस तरह का माहौल है, यहाँ पे कोई सुविधाएं कोई दिक्कतें तो नहीं है। लेकिन यहाँ सीएम सिटी गृह जनपद में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अधिकारियों को उनके कर्मचारियों को कोई डर नहीं है। लेने की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनके श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से एक्शन लेंगे, जो महिला डॉक्टर हैं वो दोषी पाई गई हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई एक्शन लिया गया है? आप क्योंकि तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि आप अस्पताल के बाहर ही खड़े हुए हैं, किस तरह की हलचल देखी जा सकती है? जी मैं बिल्कुल अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जिला हमारे पीछे जिला महिला चिकित्सालय, लेकिन ये यहाँ का प्रथा बन चुका है।
प्रथा बन चुका है कि जांच होगी, जांच के नाम पे जाएंगे, सस्पेंड होंगे, जो भी होंगे कार्रवाई होगी, ये प्रथा बन चुकी है। लोगों पे कार्रवाई कई बार हो चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कोई डर नहीं रहता है, कर्मचारियों के दिल में कोई भय नहीं रहता है। कर्मचारी वहां से हटेंगे, कहीं और जाएंगे, लेकिन फिर अगला जो कर्मचारी आता है वही काम। ये प्रथा बन चुकी है धन उगाही का, यहाँ पे गोरखपुर जो महिला चिकित्सालय है यहाँ पे धन उगाही का एक प्रथा बन चुका है। लोग आते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, अधिकारी लिख के भेज देते हैं, कार्रवाई क्या होती है नहीं होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे समझ लीजिए कि एक केवल खेल होता है कार्रवाई के नाम पे। और जो दूर दराज से आते हैं वो लोग तो यहाँ पे आके प्रसव के नाम पे लूट जाते हैं गरीब जो जी। ठीक है धनेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो गोरखपुर की तस्वीरें जहाँ पर महिला चिकित्सालय में जो महिला डॉक्टर हैं वो इलाज के नाम पर पैसे लेती हुई नजर आ रही हैं, वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। प्रमुख अधीक्षक एन के श्रीवास्तव ने कहा है कि जो महिला डॉक्टर दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत है वो मेरे सहयोगी बता रहे थे कि इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से सामने आती रहती है, पर इस तरह के डॉक्टर्स को ज़रा भी डर नहीं है। भी मांगा है और वीडियो सहित ये सारा प्रकरण मैंने शासन को भेज दिया और उससे कार्रवाई। सर पहले भी आरोप लगाया रेफर करने के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, इस पे क्या कार्रवाई? पहले भी अभी दो चार दिन पहले भी उस प्रकरण को भी शासन को भेजा जा चुका है जांच के लिए। सर क्या रणनीति बनाएंगे कि इस तरह से धन उगाही ना हो हॉस्पिटल में? मेरा पूरा प्रयास है, मैं जब से आया हूँ उसी पर लगा हुआ हूँ कि कहीं पर भी किसी स्तर पर किसी भी आने वाले हमारे क्लाइंट को कोई तकलीफ ना हो। मैं स्वयं उठ करके कई बार राउंड लेता हूं, देखता हूं कि किसी से पैसे की डिमांड ना हो कहीं पे। जो शासन के द्वारा निशुल्क सुविधाएं हैं सब उनको निशुल्क मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपराधिक गतिविधियों से नाता नया नहीं है। अक्सर एमयू में अपराधियों के छिपे होने और छात्र गुटों के बीच झगड़े में फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं। इन्हीं घटनाओं को लेकर जून में पुलिस की ओर से एमयू को 18 सुझाव सुरक्षा के बिंदु भेजे गए थे। इसके बाद भी अगस्त में कैंपस के अंदर आपराधिक घटनाएं हो गई, जिसको लेकर एमयू से अलीगढ़ पुलिस ने चिट्ठी के माध्यम से जवाब मांगा है। सेशन ने कुछ यूनिवर्सिटी को सुझाव दिए है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में कैंपस के अंदर, जिसमें वॉकी टॉकी की भी बात किया है और कुछ सिक्योरिटी को बढ़ाने की भी बात किया है कि उसको और चुस्त दुरुस्त किया जाए। कुछ जो बाहर के एलिमेंट्स हैं उनकी चेकिंग के लिए भी कहा है और कुछ ये भी कहा है कि लड़कों से कैसे संपर्क बनाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी खुल गई है, सारी चीज़ें हैं। तो उस पत्र को हमने देख लिया है और उसमें जहाँ तक के सिक्योरिटी की बात है, हमारे पास जितनी सिक्योरिटी है उसके हिसाब से हम पॉइंट्स पे उनको डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। मैनपुरी में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। पूरी घटना थाना भोगावा क्षेत्र के ग्राम नगलातार की है, जहां अजयपाल अपने घर की छत पर सो रहे थे, तभी उन्हीं के परिवार के कुछ लोग उन्हें घर से उठाकर ले गए और उन्हें कमरे में बंद करके उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह मृतक के परिजनों ने बताया कि पारिवारिक रंजिश की वजह से युवक को उसके घर से उठा ले गए और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। सर थाना भोगाव के अंतर्गत एक घटना घटित हुई है, पूरा मामला क्या है सर? भोगाव थाना अंतर्गत नगला तार में दुर्गेश यादव नाम का लड़का गांव के ही रमेश यादव के घर में रात में घुस गया, परिजनों द्वारा उसको घेर करके लाठी डंडों से मारा गया। गंभीर हालत में उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना भोगाव द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
मनोज सरकार ट्रॉफी बैडमिंटन अंडर 15 अंडर 21 प्रतियोगिता का पूर्व कैबिनेट मंत्री क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने विजेता और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर खेलकर समापन किया। इस दौरान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेमा विश्वास जापान में होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता में पैसे और व्यवस्था सरकार के द्वारा न किए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए नजर, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रेमा विश्वास को हरसंभव मदद की जाएगी। जापान में होने वाली प्रतियोगिता में प्रेमा विश्वास अवश्य भाग लेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की ओर ज्यादा अग्रसर है, उन्हें इधर उधर ना भटकते हुए अपनी लाइफ खेल की तरफ बढ़ानी चाहिए। जब कोई चीज हम नया करते हैं किसी काम के उपयोग के लिए, तो जैसे जैसे करते हैं ना, नई नई चीजें अपने आप कोई ना कोई और भी जरूरतें महसूस होने लग जाती हैं। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ इस इलाके में कुछ भी नहीं था, ना इंडोर स्टेडियम थी ना आउटडोर था। हम लोगों ने पहली बुनियाद रखी, तो हमको समय समय पर जब बच्चे इसका उपयोग करते हैं तो आवश्यकता भी महसूस होती रहती है। तो ये जीवन में चलने वाला चक्र है, जब एक काम करोगे तो दूसरे की मांग हो जाएगी, दूसरा करोगे तो तीसरी मांग हो जाएगी। साजापुर में पिज्जा और बर्गर का ऑर्डर पहुंचाने गए डिलीवरी बॉय को गोली मार दी गई। मामला सदर बाजार के जलाल नगर का है, जहां डिलीवरी बॉय सचिन कश्यप ने 200 का फटा नोट लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर अपराधियों से एक गोली मार दी। घटना के बाद घायल डिलीवरी बॉय को इलाज के लिए बरेली भेजा गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हमीरपुर में ऊंचाई के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से डैम फुल हो गए हैं। बांधों से नदियों में पानी छोड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। माटतीरा बांध से बेतवा नदी में करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। धौलपुर बैराज से यमुना नदी में 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो वहीं आज सुबह 8 बजे के अपडेट के अनुसार बेतवा नदी में 4 लाख क्यूसेक पानी और यमुना में धौलपुर बैराज से 24 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। हमीरपुर में यमुना बेतवा दोनों नदी से विकराल रूप ले रही हैं और प्रशासन ने यमुना और बेतवा नदी से सटे इलाकों और मुख्यालय से सटे गांवों पर बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना जताई है। बाराबंकी के दशहरा भाग में पंचशील मोहल्ले में लोगों के घर बाहर तक पानी भर गया है। पानी के भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी के जमा होने से बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन लोगों ने इसकी शिकायत सभासद आलोक से कई बार की, पर समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ। पंचशील मोहल्ले के निवासी मीना ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत पूर्व में चेयरमैन से भी की, पर चेयरमैन ने यह कहते हुए वापस कर दिया कि खलियारा में मकान क्यों बनवाया है। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। बिजनौर में शायद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद मणि पहुंचे पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए विकास की बात बयां की। प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया, कहा कि सपा बसपा कांग्रेस को चुनाव में दारू पाटने वाली पार्टी है और आम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी बादशाहपुर में लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। मछुआरा समाज के लिए पार्टी ने बड़े काम किए हैं। निषाद पार्टी का कहना है कि पावर में आओ। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में पहाड़ी उत्पादों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने ब्रेनरॉक कंपनी के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि बुनियादी स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी करते हुए किसी एक उत्पाद के विक्रय का मॉडल तैयार कर उसके परिणाम जो आएंगे उसे 20 दिन में इस्तेमाल करें, जिससे बेहतर परिणाम आने पर अन्य उत्पादों की भी बिक्री शामिल हो सके। ये हमने कहा कि वर्तमान में कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्रामीण उत्पादों की सामग्री को विक्रय किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है उसके लिए ई मार्केटिंग का इस्तेमाल भी किया जाए। में कई सारे स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत हैं और कई सारे विभागों में भी जो है ग्रामीण स्तर से सामग्री क्रय की जाती है और उसके बाद उसका प्रक्रिया किया जाता है। वर्तमान में कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इन ग्रामीण उत्पादकों का सामग्री को या प्रोडक्ट को राज्य स्तर पर या जनपद के बाहर किसी व्यवसायिक को उपलब्ध कराने का कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं था, जो कि आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हर जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है। हमने आज की बैठक में एक
संस्था से इसके बारे में एक मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपना एक मॉडल तैयार करेंगे और इस मजदूरी देहरादून मार्ग पर सरेआम शराब पीने और सोशल मीडिया पर पुलिस को ललकाने वाले यूट्यूबर बॉबी कटारिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बॉबी कटारिया ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अभी तक सरेंडर नहीं किया, जिस पर अब डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए देहरादून एसएसपी को बॉबी कटारिया के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई और 25,000 के नाम घोषित करने के आदेश दिए, ताकि बॉबी कटारिया पर कानूनी शिकंजा और मजबूती के साथ कसा जा सके। नहीं नहीं, देखिए, कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच पाता। उन्हें FIR दर्ज हो गई है, वारंट उसके निकल चुके हैं। अगर वो नहीं आता है तो उसके फिर कुर्की वारंट निकलवाएंगे और उस पर इनाम घोषित करा जाएगा। बच नहीं पाएगा, कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। सर क्या मतलब गिरफ्तारी तो निश्चित है ना सर इसमें? मैंने कहा ना, वारंट पे नहीं मिला, मिसिंग है, तो हम उसके कुर्की वारंट कोर्ट से लेंगे, लेने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उस पर इनाम भी घोषित। हापुड़ में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है, जिसको लेकर हापुड़ प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगभग 4 बजे हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के पास पहुंचेंगे, जिसके बाद कार द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय में पहुंचकर उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही जिला चिकित्सालय में बने MNCU वार्ड का उद्घाटन करके उसके बाद मुख्यमंत्री 4:30 बजे जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री कार द्वारा सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा 810 करोड़ रुपए की 274 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो SP हापुड़ ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर लगभग 2,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिसमें 6 टुकड़ी PAC BDC टीम और साथ ही CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और सभास्थल की निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए की जाएगी। सर कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई? देखिए, यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें ऑनरेबल CM की विजिट है, तो इसी के दृष्टिगत यहाँ पे पर्याप्त फोर्स हमने लगाई है। जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी भी हमने एक्स्ट्रा डिमांड की गई है हमारे द्वारा, और सफिशियंट हमने पार्किंग स्पेसेस बनाए हैं बसेज के लिए, और क्योंकि यहाँ पे अप्रोच रोड के लिए जो आने का मार्ग जो संकरा है वहाँ पे हमने फेरी सर्विसेज भी अरेंज की हैं यहाँ पे बसेज के लिए। कल मुख्यमंत्री जी जो है 810 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। समस्त परियोजनाएं हमारी हापुड़ की हैं, बहुत गर्व की बात है हापुड़ के लिए। और पूरे हम लोग सिक्योरिटी जितनी होती है, जितने मानक होते हैं, उन सब के अनुसार यहाँ पे पूरी व्यवस्था करी जा रही है। मंच की सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी, सब पे हम लोग। संभल में गैंगरेप के सभी चारों आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। गैंगरेप पीड़िता के सुसाइड के बाद गर्दन फंसने के डर में पुलिस एक्टिव नजर आई है। 40 दिन तक आरोपियों को न पकड़ने वाली पुलिस ने सुसाइड के 24 घंटे में सभी रेपिस्ट पकड़ लिए हैं। संभल के कुलफतेहगढ़ थाने के गांव में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप और पीड़िता के सुसाइड का मामला बहुचर्चित था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।